पुल बहुत अच्छा बना हुआ है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। ऐसी कैसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे? सत्तारिया नतारिया एंड योर गुड नेम लक्ष्मण झूला और राम झूला के बाद यहाँ पर एक और झूला पुल बना है जिसे कि जानकी झूला पुल कहते हैं, और ये झूला पुल अभी नया नया ही बना है। तो भरत मंदिर के बाद अभी हम आ गए हैं जानकी झूला के पास, और ये सामने आप लोगों को यहाँ का जानकी झूला दिख रहा होगा। इससे पहले जब मैं यहाँ पर आया था ऋषिकेश में तो ये पुल नहीं बना था, अभी ये पुल नया नया ही बना है, इसको बने हुए लगभग 3 से 4 साल हो चुके होंगे। तो अभी हम आ चुके हैं जानकी झूला पुल पे, और यहाँ पर ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर ये 3 लेन बनी हुई है। यहाँ पर ये दोपहिया वाहन जाने के लिए, ये दोपहिया वाहन आने के लिए, और ये पैदल वालों के लिए। और यहाँ से राम झूला की दूरी जो है वो 900 मीटर है, जो कि लेफ़्ट साइड में, लक्ष्मण झूला यहाँ से 3 किलोमीटर है, नीलकंठ महादेव मंदिर यहाँ से 25 किलोमीटर, बैराज 10 किलोमीटर, हरिद्वार 30 किलोमीटर है। और यहाँ पर ये पूरा इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है। और ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरेनर्स देखने को मिलेंगे। और अभी हम बिल्कुल जानकी झूला पुल के ठीक ऊपर आ चुके हैं, और ये नीचे है यहाँ पर शमशान घाट, जहाँ पे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इस समय यहाँ पर दो शव जलाए जा रहे हैं, बाकी एक शव जल चुका है, और उस साइड में देखेंगे तो वहाँ पर भी एक शव जलाया जा रहा है। तो यहाँ पर इस समय टोटल 3 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, और अभी हम इधर से उधर की तरफ जा रहे हैं, और इसके दोनों साइड में ये जालियाँ लगाई गई हैं, और बहुत बढ़िया बना हुआ है। और यहाँ पर इसकी लाइटिंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल की लाइटिंग लगाई गई है, जैसे यूरोप्स में आपको लाइटिंग वाइटिंग देखने को मिलती है, वैसे ही लाइटिंग आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। हालांकि ये दिन का समय है तो दिन के समय लाइट्स तो नहीं जल रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये पूरा जो ब्रिज है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे। तो हो सकता है वीडियो में आप लोगों को हवा की आवाज़ भी सुनाई दे रही हो। और यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर मंदिर दिख रहे हैं, नीचे गंगा नदी का खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है, और ये कुछ फॉरेनर्स हैं जो कि आगे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कर रहे हैं। और इस साइड में देखिए पूरा गंगा रिवर, और इस साइड में मंदिर और घाटों का खूबसूरत व्यू, और इसके साथ साथ यहाँ पर पहाड़ों का भी काफ़ी खूबसूरत व्यू आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और हवा तो इतनी प्यारी चल रही है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस समय ऋषिकेश के लिए तो ऑफ सीज़न है, यहाँ पर योग और साधना वाले लोग ही ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं, इसके अलावा भी टूरिस्ट काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर विज़िट करने के लिए आते हैं, तो भीड़ उतनी अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे टूरिस्ट हैं यहाँ पर। और ये यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं, वेयर आर यू फ्रॉम? जापान। ये हैं, ये जापान से आई हुई हैं, और इनके साथ यहाँ पर जो आगे चल रही हैं वो हैं इनकी क्लासमेट। व्हाट्स नेम, सीज नेम? सत्तारिया नतारिया एंड योर गुड नेम? नरूमी। तो ये नरूमी जी हैं, जापान से आई हुई हैं, इनसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, और इनके साथ हम यहाँ पर हैं। तो जापान हमारा वैसे भी काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है, और इनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इंडियन और जापानी समझ लीजिए भाई भाई हैं, और हम जापान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जापान हमें टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो जापान के बारे में तो मुझसे ज़्यादा आप ही लोग जानते होंगे, पूरी इंडिया जानती है कि जापानी लोग और जापान कंट्री हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और कितनी बढ़िया कंट्री है, एज़ लाइक आवर ब्रदरहुड।
राम झूला 600 मीटर दिखा रहा, उधर 900 मीटर दिखा रहा था, इधर 600 मीटर यानी कि 300 मीटर हम चल के इधर आ चुके हैं। और यहाँ पर भूतनाथ मंदिर है जो कि 1.7 किलोमीटर है, लक्ष्मण झूला 2.6 किलोमीटर, नीलकंठ महादेव मंदिर सेम 25 किलोमीटर, बराज भी सेम 25, हरिद्वार भी सेम वही है। और कुल मिला जुला के बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये लोग भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि ये लोग भी ब्लॉगर हैं और ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और ब्लॉगिंग करते हुए ये लोग भी आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए जानकी पुल से बाहर निकलते ही बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्य आपको देखने को मिलेगा। सामने आपको पवन पुत्र हनुमान जी की बहुत ही सुंदर सी फोटो बनी हुई है, जिनके हृदय में प्रभु श्री राम और माता सीता को दिखाया गया है। तो ये जगह अपने आप में बहुत अल्टीमेट है और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर स्पेशली जो हनुमान जी की फ़ोटो बनी हुई है वो देख के हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, ये देखिए। और ये साधु महात्मा इधर आरती करते हुए दर्शाई गई हैं चीज़ें, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अभी हम इस पूरे ब्रिज को क्रॉस करके इधर आ चुके हैं। तो आई होप कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।